हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी ठीक ठाक ही हैं। और लीजिए, बहुत टाइम के बाद फिर से एक व्लॉग बनाया है, वो भी अपनी वेकेशन की। मुझे याद नहीं कि आई थिंक एक महीना हो गया है लास्ट व्लॉग को, काफ़ी देर बाद डाल रही। तो ये रही बची कुची मेरी रोड ट्रिप की जर्नी टू मैंगलोर, माई होम टाउन। और बारिश का मौसम था, जैसे मैंने कहा था, ऑब्वियसली मॉनसून सीजन रहता है वहाँ पे। तो थोड़ी छोटी छोटी सी झलकियों में आपको खूबसूरती कह रही हूँ, हरियाली के साथ छोटी छोटी बूंदों की बारिश भी नज़र आएगी। तो बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल सा सीन होता है ये। भी एक अल्लाह की नियामत है, करम है। और करम से ये बात भी अभी कैसे भूल सकते हैं कि जो फ़िलहाल एक महीने से फ़लस्तीन पे जो गुज़र रही है। तो अल्लाह से बस यही दुआ है कि अल्लाह रहमो करम फरमाए, हम सबकी हिफाजत करे। आप देखें, बहुत से लोग अभी बॉयकॉट कर रहे हैं, ज़रूर करें प्रोडक्ट्स को। और दुआओं में ज़रूर याद रखें, दुआओं में जो जितनी ताकत है ना, मैंने पहले भी कहा था, इट कैन मूव माउंटेंस। अब दुए से ये किस्सा याद आता है कि जब हम छोटे थे ना, हम सभी भाई बहन, तो हमें अपनी बर्थडे पेज में ना हमारे पेरेंट्स, अम्मी अब्बू, हमेशा गिफ्ट दिया करते थे। उस ज़माने में तो ऐसे कुछ मोबाइल फ़ोन्स एंड प्ले स्टेशन ऐसी तो कुछ नहीं होती थी। और तभी जो है हमारी ज़रूरतें और हमारे जो कहते हैं ना बच्चों के अरमान भी कुछ ऐसे बड़े बड़े तो होते नहीं थे, बस छोटी सी टॉयज मिल गई, चॉकलेट्स मिल गए, ऐसे ही एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कभी एक आध बार होता था कि हमें, मुझे कभी कभार हमें नहीं मिलता था, कभी कभार, वंस और ट्वाइस आई गेस। तो मैं अपनी अम्मी से मैं पूछा करती थी कि अम्मी गिफ्ट नहीं मिला, तो अम्मी कहती थी कि बेटा मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। तो तब तो खैर छोटी थी तो सोचा करती थी कि हाय, दुआ लेकर मैं क्या करूँ, उससे अच्छा मुझे कोई टॉय मिल जाता, कुछ स्टेशनरी मिल जाती, कुछ यूज़ कर लेती मैं, दुआ का मैं क्या करूँ। तब तो खैर उम्र होती है, समझ नहीं होती है, पर अब समझ आता है कि दुआओं में कितनी ताकत होती है। दुआओं से किसी की ज़िंदगी बन सकती है और एक छोटी सी बददुआ किसी को बर्बाद भी कर सकती है। और ये बात अब समझ आती है कि दुआओं में कितनी 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 ताकत होती है। कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग, क्योंकि दुआ आपके साथ हो तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो यही बात है कि हमेशा दुआओं में याद रखिए, दुआओं से ना जाने क्या से क्या नामुमकिन काम भी आपके पूरे हो सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये रही आज की दुआओं वाली बात। और ये देखें जी, बारिश का मौसम, ये बड़ा याद आता है यहाँ पे शारजा में। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, और जब होती है तब होती है, पर इतनी भी नहीं होती। यहाँ तो है, देखें द हरियाली, वो मिट्टी की खुशबू, एंड द बेस्ट पार्ट इज टू बी विद योर फैमिली, विद योर पेरेंट्स, विद योर सिबलिंग्स, इन योर होम टाउन, इंजॉइंग द रेन, इंजॉइंग द होम मेड फूड विद योर मॉम, विद योर डैड, जो आपकी अम्मी ने बनाया ऑफ कोर्स। तो देखिए ये नज़ारा कितना प्यारा है। तो खैर जी, तो आज की थी हमारी इतनी सी व्लॉग। ज़रूर दुआ के बारे में ज़रूर सोचें, ज़रूर करें, दुआओं में शामिल करें, हम सबको दुआओं में शामिल करें। टिल देन, टेक केयर, टिल देन, बाय बाय।